नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है में। और इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे कैनन के 1300D की। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं इस कैमरे के अंदर हमें 16 GB का मेमोरी कार्ड दिया गया है जो कि इसके अंदर है, और ये वाईफाई और NFC सपोर्ट करता है। ये कैमरा जो है 18 MP का है। हाँ तो दोस्तों, एक बार ये पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो एक डिजिटल कैमरा जो कि उसकी बॉडी कही जाती है वो मिलती है, एक 18-55 का लेंस मिलेगा, स्ट्रैप मिलेगा, एक बैटरी मिलेगी, एक बैटरी का चार्जर मिलेगा। चलिए देखते हैं एक बार कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया गया है। सबसे ऊपर दोस्तों देखा जाए तो एक गाइड बुक दी गई है। लिड को ओपन करते ही सबसे पहले हमें ऊपर दिखेगा एक मेमोरी कार्ड जो कि 16 GB का हमें दिया गया है। यहाँ पर लेक्सर करके कंपनी है, उसका एक गारंटी कार्ड हो गया। इस पूरे बॉक्स का, इस अनबॉक्सिंग का सबसे बड़ा मेन पार्ट जो कि कैमरा की बॉडी है, उसे देखते हैं कैसे। चलो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, इसको साइड रख देते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। एक कैनन का स्ट्रैप दिया गया है, चार्जिंग अडेप्टर की केबल दी गई है, ये रहा खुद चार्जिंग अडेप्टर जो कि ब्लैक कलर का है आई थिंक, इसको बाद में ओपन करेंगे। ये बैटरी हो गई जो कि 860 mAh की यहाँ दी गई है, जिसका बैटरी बैकअप कहा जाता है कि अराउंड 700 शॉट्स दे सकता है ये एक बारी में एक चार्ज पर, और ये अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटा लेती है चार्ज होने में। ये कनेक्टिंग केबल दी गई है कि आप इससे फोटोज़ वगैरह ट्रांसफ़र कर सकें। और मेन एक और चीज़ जो इसका सेकेंड पार्ट मेन माना जाता है जो कि है लेंस। यहाँ पर दोस्तों हमें मिल रहा है 18-55 का लेंस कैनन की तरफ से, जिसके अंदर इमेज स्टेबलाइजर भी है। काफ़ी रिच क्वालिटी में ये बिल्डअप है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी सीरियसली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी लाइट वेट है, और इसके अंदर दोनों ऑप्शंस है कि आप ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस में आप चला सकते हैं इसको। और इमेज स्टेबलाइजर के लिए भी बटन दिया गया है कि इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, अदरवाइज आप उसको बंद भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि असली में जो इसकी बॉडी है वो कैसी है। ब्लैक कलर की, इतना प्यारा मॉडल जिसके आगे लेदर का टच दिया गया है, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का ये लग रहा है कैमरा, जबकि कैनन का ये एक बेसिक मॉडल माना जाता है। लुक वाइज कैमरा बहुत अच्छा है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि सारे बटन्स और सारे ऑप्शंस राइट साइड में दिए गए हैं, मतलब ये वन हैंडेड यूजेस के लिए है कि कोई भी बंदा आराम से इसको यूज़ कर सके। और ये जो लेदर की ग्रिप है ये बहुत हेल्प करती है इस कैमरे को हाथ में पकड़ने से, अदरवाइज अगर इसमें प्लास्टिक होता तो इसमें आपको गिरने का डर रहता, हाथ से फिसलने का डर रहता। ये जो लेदर फील दी गई है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके अंदर ऊपर जो है हर तरह का मोड दिया गया है, राइट साइड में आपको ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाएगा, फ्लैश का एक बटन दिया गया है अलग से, जूम इन जूम आउट का बटन है, ये टॉगल है जिसे आप स्विच कर सकते हैं कि आपको लेंस के थ्रू देखना है या फिर स्क्रीन के थ्रू। इसके बटन्स की क्वालिटी अगर प्रेस करके देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। ये जो हुक दिए गए हैं यहाँ पर आप स्ट्रैप लगा सकते हैं अपना, और यहाँ दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएंगे 3 कनेक्टर, जिसके अंदर आप सबसे पहले ऊपर वाले में आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना एक रिमोट, उसके बाद डाटा केबल, और उसके बाद एक मिनी HDMI केबल अटैच कर सकते हैं। ओवरऑल क्वालिटी देखी जाए दोस्तों तो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। ये जो दोस्तों जो कैमरा है मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन डे सेल के अंदर, और दोस्तों मुझे पड़ा है ये सिर्फ 18,500 का। 18,500 वाली डील सिर्फ 12 बजे आई थी, उसके बाद वो डील चली गई, तो मेरे को लगता है मैं काफ़ी लकी रहा कि मैंने उस टाइम इसे परचेज कर लिया। स्टिल मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि अगर आपको देखना है या परचेज करना है। तो लेंस एक बार इसके साथ अटैच करके देखते हैं कि उसके बाद इसकी लुक कैसे आती है। दोस्तों जो आप ये मिरर देख रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसके ऊपर कभी भी बिना सोचे समझे हाथ ना लगा दें गलती से भी, और जितना हो सके लेंस लगा के रखें, लेंस कभी उतारे ना, क्योंकि लेंस उतारने के बाद जो अंदर अभी आपको मिरर दिखाया गया था उस मिरर के अंदर डस्ट पार्टिकल जा सकते हैं जो कि आपके कैमरे की क्वालिटी के अंदर आगे दिक्कत दे सकते हैं। यहाँ जो दोस्तों छोटा सा एक बटन दिया गया है ये उसके लिए दिया गया कि आपको अगर कभी लेंस उतारना हो या दूसरा लेंस लगाना हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल लुक दोस्तों बहुत अच्छी है मेरे काम के लिए, मेरे को लगा कि ये कैमरा ठीक है अभी फिलहाल के लिए। बाकी अगर आपने इसकी और डिस्क्रिप्शन देखनी है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आपने देखना है कि कितने का या क्या है इस टाइम तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और नीचे वाले लाल बटन को दबाना ना भूलें।